ओके, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पहले समझ लो, ए बी होना चाहिए और जहाँ से ख़त्म किया वहाँ से एक स्टार्ट होने वाला पैर होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, तो बी बी कट ए सी होना चाहिए अंदर। तो एस इज इक्वल टू, सबसे पहले रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई थ्री, ओके कॉमन एग्जाम्पल ये। तो ए माइनस बी एक्स की जगह पे ए, वाई की जगह पे बी, बिकॉज ए बी पैर है ना, ए बी माइन ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई थ्री, बी माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई थ्री, ओके। तो ये दोनों डिविजिबल है, तो अब मैं कैसे प्रूव करूं कि ए माइनस सी डिविजिबल है थ्री से? तो आपको क्या करना है, दोनों ये दो वैल्यू है जो दोनों डिविजिबल बाई थ्री है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, दोनों का सम ले लूँ, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो बी बी कट, इट विल बी ए माइनस सी, और समेशन तो डिविजिबल रहेगा ही, ओके। तो ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई सी, सो ए सी बिलोंग्स टू एस, क्लियर है? तो इट इज ट्रांजिटिव, ओके। एग्जाम्पल नेक्स्ट, एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स लेस देन वाई, तो क्या होगा यहाँ पे, ए माई ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए सी से कम ही होगा, देन ए लेस देन सी, ये फॉलो कर रहा है हमारी कंडीशन को, तो ए सी बिलोंग्स टू एस, सो इट इज ट्रांजिटिव, ओके क्लियर है, गट इट? और एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, आगे बढ़ते हैं। एस इज इक्वल टू वन कॉमा वन, टू कॉमा थ्री, थ्री कॉमा थ्री, थ्री कॉमा टू, टू कॉमा थ्री, वन कॉमा टू, वन कॉमा थ्री, इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन ले लिया। चलो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, इसके अंदर ध्यान रखना, यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए, वो भी किस में, लिस्टिंग मेथड के अंदर, खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक काम करो, ए बी बी सी होना चाहिए, देन ऐसे होगा, ऐसा बोला है, तो ए बी बी सी, तो यहाँ पे जो एक पैर का एंड पॉइंट है वो दूसरी पैर का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो कहाँ पे चेक करना है वो भी हमें पता नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, पहले जितने भी एंड पॉइंट दिखाई दे रहा है उतने लिख दो, जैसे कि ये वन दिखाई दे रहा है, वन यस वन दिखाई दे रहा है, थ्री यस थ्री आ गया है, टू टू थ्री, टू थ्री, ओके, तो वन थ्री टू या फिर वन टू थ्री, ये एंड पॉइंट है। चलो अब वन से शुरू होने वाले कौन कौन है, वन से शुरू होने वाले कोई है, तो वन से शुरू होने वाले, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये जो रिफ्लेक्सिव वाले जो है ना, उसके अंदर तो आप चेक ही मत करो, वो तो होने ही वाले, वन 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 वन, तो वो तो हो गई, ओके। तो इसके अलावा जो भी है वन से शुरू होने वाले, ये है वन टू वन थ्री, ओके, तो वन टू वन थ्री, वन टू वन थ्री, वन से एंड होने वाले कितने, ए, वन की बात क्या है, वन के लिए चेक करना है, वन से एंड होने वाले कितने हैं, वन वन, बस खत्म, और वन से शुरू होने वाले कितने हैं, वन टू वन थ्री, ओके। तो हमें क्या करना है, चेक करना है, वन वन गया, वन टू है, वन वन कट, वन थ्री है, ओके। तो इस हिसाब से ये तो होने ही वाले हैं, मैं तो बता देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी भाई माय मिस्टेक, ये टू थ्री, टू थ्री दो बार है, ये टू टू है, चलो आगे बढ़ते हैं। थ्री पे एंड होने वाले कौन कौन है, थ्री पे एंड वाले होने वाले, ये थ्री थ्री है, बट इसको मैंने बोला ध्यान में नहीं लेना, ये तो होने ही वाला है, इसलिए इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ओके। टू थ्री, टू थ्री, टू थ्री, तो ये थ्री से एंड होने वाले टू थ्री है और वन थ्री है,
ओके, टू थ्री वन थ्री, ये थ्री से एंड होने वाले, और थ्री से शुरू होने वाले कौन है, ये रहा, ये तो लेने ही नहीं, थ्री टू, चलो तो थ्री टू है तो चलो चेक करते, थ्री थ्री कट टू टू है, यस है, थ्री थ्री कट वन टू है, यस है। समय में क्या कर रहा हूँ मैं, बी को हटा दे रहा हूँ क्योंकि ए बी बी सी और ए सी, तो इसमें बी बी निकाल दो, ए सी चेक करना है हमें, तो थ्री थ्री कट तो वन कोमा टू बचेगा, वन कोमा टू अंदर है, तो ये थ्री के लिए भी चेक हो गया, वन के लिए भी चेक हो गया। टू की बात करें, टू पे एंड होने वाले ख़त्म, टू पे एंड होने वाले कौन कौन है, थ्री टू एंड वन टू, थ्री टू वन टू, ओके, तो टू से शुरू होने वाले, ये टू टू छोड़ दो, टू थ्री और कौन, नहीं कोई नहीं, तो टू टू कट थ्री थ्री है, टू टू कट वन कोमा थ्री है, तो वन कोमा थ्री भी है, मतलब इट इज ट्रांजिटिव, ओके। अभी भी यहाँ पे एक मेन कन्फ्यूजन बाकी है दूर करना आपका, ओके चलो, तो हर एक के लिए आपको ये चेक करना है और आप बाद में उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है, ओके ओके चलो। कभी कभार ये होगा कि मान लो वन टू थ्री यहाँ पे हुआ, वन थ्री हुआ, चलो एंड पॉइंट, और वन थ्री से शुरू होने वाले कोई भी पैर नहीं है, वन थ्री पे एंड हो रहा है बट वन थ्री से शुरू होने वाले कोई भी पैर अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे आपको ये नहीं बोलना कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, आपको यही बोलना है कि इट इज़ ट्रांजिटिव। हाँ, तो मतलब ये समझ में आया होगा आपको कि, फिर से समझा देता हूँ, पहले यहाँ पे वन एंड हो जिससे हो रहा था वो भी पैर था, और वन जिससे शुरू हो रहा वो भी पैर है, थ्री में भी वही है, टू में भी वही है, बट अगर कोई वन आ रहा है और उसका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट वन वाला पैर है बट स्टार्टिंग वन वाला पैर नहीं है कहीं पे भी, तो वन के लिए ऐसा नहीं बोलना कि ये चेक नहीं हुआ, ये चेक हो गया, इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट कोई है ही नहीं है तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है, तो ये वन के लिए चेक। थ्री के लिए भी अगर सेम टू सेम ऐसा हुआ तो छोड़ दो, टू के लिए भी सेम टू सेम ऐसा हुआ तो छोड़ दो, तो छोड़ दिया सबको, मतलब ये चेक हो गया, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो इट इज़ अ ट्रांजिटिव। तो ध्यान रखो, घुमा के इसको प्रूव करना है, और अगर मैं क्लियर बोलूँ तो ये प्रूव करना है, अगर कोई ट्रांजिटिव नहीं है तो उसको फंक्शन को सॉरी उस रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा प्रूव करना पड़ता है, बट अगर वो ट्रांजिटिव है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा, आई थिंक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नेक्स्ट, एस इज इक्वल टू वन कोमा वन, टू कोमा टू, थ्री कोमा थ्री एंड थ्री कोमा टू, ओके चलो देखते हैं, इसके एंड पॉइंट वन टू थ्री तीनों है, वन टू थ्री तीनों है, वन टू थ्री टू, मतलब ओके चलो, वन से ख़त्म, वन से शुरू, वन से ख़त्म, ये रहा वन वन, इसको ध्यान में लेने ही नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये चेक कर दो, ख़त्म, टू से ख़त्म होने वाले, हाँ ये रहा, टू टू भी है और थ्री टू भी है, ओके, टू से शुरू होने वाले एक ही है, टू टू ख़त्म, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वही का वही आएगा, हाँ थ्री टू, इसके बाद और कोई पैर नहीं है, चलो मैं बोल देता हूँ, इसको चेक ही नहीं करना था, छोड़ दो इसको, थ्री टू है, टू से स्टार्ट होने वाले कौन, इसके अलावा कोई नहीं है ना, इट इज़ अ चेक, इट चेक, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको फिर से आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि टू के लिए कोई पैर नहीं मिल रहा है, ओके, थ्री से ख़त्म होने वाले कोई नहीं है, ये है बट उसको ध्यान में नहीं लेना है, यहाँ पे थ्री पे ख़त्म होने वाले कोई नहीं है, तो यहाँ पे भी हम बोल देंगे चेक, समझ में आ रहा है, आपको लगेगा ऐसा थ्री टू है, टू टू कॉमा वन, टू कॉमा थ्री, ऐसा कोई पैर होना चाहिए, बट नहीं है तो हमें उसको देना नहीं है, डायरेक्टली बोल दो इट इज़ अ ट्रांजिटिव, इट इज़ ट्रांजिटिव, ओके, आपको डायरेक्ट प्रूव कर देना है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, S इज इक्वल टू वन कोमा वन एंड टू कोमा टू, ओके वन कोमा वन टू कोमा टू, अब इसमें तो रिफ्लेक्सिव ही दिया हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव है तो इसके एंड पॉइंट वन एंड टू, ओके वन के लिए स्टार्टिंग नहीं लेना है, ये वन वन वाले टू टू वाले नहीं लेने हैं, तो कुछ लेने नहीं है तो चेक खत्म, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, ओके चलो दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू वन कॉमा वन, टू कॉमा टू,
3, 3, 2, 3 and 3, 1. ओके चलो 1, 2, 3 सेंड होने वाले. ओके चलो 1 से खत्म होने वाले कौन, ये रहा 3, 1 और 1 से शुरू होने वाले ये तो ले रहे नहीं है और बाकी है नहीं, छोड़ दो. चल 2 पे खत्म होने वाले 2 ये लेना नहीं है, छोड़ दो. 3 पे खत्म होने वाले 2, 3 और 3 से शुरू होने वाले ये लेना नहीं है, ये लेना. 3, 3 कट, 2, 1 होना चाहिए, 2, 1 नहीं है तो यहाँ पे इट इज नॉट ट्रांसिटिव. अब आपको समझ में आ गया होगा